है, तो अब इसमें वो माइनस साइन के साथ मिसिंग था, ठीक है। लास्ट में ये माइनस वन की पावर एन इंटू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, तो यहाँ से आगे तक का ये पूरा सम कितना हो जाएगा? जीरो, जीरो जीरो क्योंकि एन प्लस वन सी जीरो से एन प्लस वन सी एन प्लस वन जा रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो वो जीरो आ जाएगा। और बचेगा क्या यहाँ पे, ये एन प्लस वन सी जीरो, तो ये इसकी वैल्यू वन, वन वन। अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। लिख हाँ सर, लो यस सर। इसको, चलो दूसरी वाली इसमें साइड टर्म्स करते हैं। मिसिंग रहते हैं तो उसका ध्यान रखना होगा। चलो दूसरी वाली स्लाइड दिखाओ ना। हाँ एक मिनट ये लिखने दो, फिर अगली दिखाता हूँ। ये किसी की बाकी, इसमें हो गया सभी लोगों का लिखना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। हो गया, यस सर, यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S15 सर वो लास्ट वो NCR। मैंने दिखा ना पिछली साइड, हाँ सर बाकी है वो लास्ट वाला थोड़ा। सही, ये वाला देखो जल्दी करो। हो गया सर। ठीक डन सर। आर प्लस वन आर फ्रॉम 0 to n, सर हाँ बोलो। 2 into 1 upon n+, नहीं बेटा, सर 3 की पावर r+1 -1 upon n+1। आर प्लस वन मत बोलो रे, एन प्लस वन। हाँ हाँ n+1 सही है, हाँ सर। 3 की पावर n+n+1 upon n+1। थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस वन, माइनस वन हाँ हाँ आएगा। -1। हाँ हाँ एक टर्म मिसिंग है उसमें पहली वाली। सर 2 की पावर n+1 -1 upon n+1। हाँ टू की नहीं, थ्री की, तो 1+2 का थ्री एक्सपेंशन थ्री है। हाँ 1+2। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, चलो देख लो। यहाँ पे आर प्लस वन आ रहा है, इसको तो हमें हटाना ही है, प्रॉपर्टी लग के हट जाएगा। तो प्रॉपर्टी जब हम लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस वन,
सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है यहाँ पे टू की पावर आर प्लस वन। अब यही पे डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना एक्सपांड करके लिखे, थोड़ा सा सोचना होगा बस। अगर मैं यहाँ पे सारे टर्म्स अगर मिलते एन प्लस वन सी जीरो से लेके एन प्लस वन सी एन प्लस वन, तो तुम यहाँ पे क्या बोलते ये किसका एक्सपांशन था? 3 की पावर एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 का, अगर सारे मिलते तो। लेकिन देखो कौन सा मिसिंग है यहाँ पे, एन प्लस वन सी जीरो, एन प्लस वन सी जीरो, प्लस वन सी जीरो मिसिंग है। ठीक है तो उसको एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना चलो देखो एक्सपांड करके लिखो तभी चीज दिख पाएगी तुम लोगों को। एक्सपांड जब हम कर देंगे तो यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन, तो हमने r की जगह पे वैल्यूज पुट करना शुरू किया तो r की जगह पे जीरो, तो यहाँ से मिलेगा n प्लस वन सी वन टू, फिर r की जगह पे वन तो n प्लस टू सी टू, n प्लस वन सी टू टू स्क्वेयर, ऐसे फाइनली n प्लस वन सी एन प्लस वन टू की पावर n प्लस वन। तो जब हम इसको गौर से देख रहे हैं तो इसमें n प्लस वन सी जीरो मिसिंग है, तो उसको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो n प्लस वन सी जीरो को ऐड कर दिया, ठीक है ये फाइनली n प्लस वन सी एन प्लस वन टू की पावर n प्लस वन, एंड बाद में माइनस भी कर देंगे इसको ऐड किया है तो। ठीक अब ये सेकेंड लास्ट टर्म तक जो सम आएगा वो क्या रहेगा, किसका एक्सपांशन है? 3 की पावर n, 3 की पावर n प्लस वन, एन प्लस वन का, ठीक है क्योंकि एन प्लस वन सी जीरो से एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक है तो पावर एन प्लस वन का एक्सपांशन, एंड उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट किया गया है टू, तब जाके ये मिलेगा। तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन वन प्लस टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन, दैट इज थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर? Yes. सर ये सारे रिजल्ट याद करने की स्पेसिफिक स्टेप्स याद नहीं करना, ठीक है वो एक प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है वो सीख रहे हैं हम लोग उसका एप्लीकेशन, ठीक। अच्छा सर वो n प्लस वन सी वन आ रहा है तो टू की पावर टू हो जाएगी ना? नहीं। तब R1 लेंगे तो पावर R प्लस वन है ना? R1 लेंगे तो टू स्क्वायर आ रहा है ना, देखो ना यहाँ पे, लेकिन R जब जीरो लेंगे तो टू आएगा ना, एक बार अच्छे से देखो इसको, R की जगह पे जीरो पुट किया तो टू की पावर जीरो प्लस वन तो टू, R की जगह पे वन पुट किया तो टू स्क्वायर, और एक बार इसका एक्सपांशन गौर से देख लो, ठीक है वह दिख जाएगा x की जगह पे 2 पुट करने के बाद भी हमें ये मिलता है, ये जो आ रहा है ना ये वाला, देखो इसको जल्दी। हो गया? Yes. Last step बाकी है सर, एक मिनट। इस पे किसी का कुछ लिखना बाकी है क्या? इस पेज के ऊपर जो है? सर last page last step बाकी है सर, एक मिनट। हाँ ये वाला क्या? सर उस पेज की last step बाकी है। अच्छा चलो ठीक है लिख लो जल्दी करो। मतलब वो समझानी है बाकी है लिखनी? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। लिखनी बाकी है सर। अच्छा ठीक है।
हो गया सर, इनका हो गया है, उनके लिए अगला है S16 ही है ना, हाँ S16 है। सोचो थोड़ा सा, ऑब्जर्व करो चीजों को। अभी तो मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है, डिवीजन में भी आ रहा है, तो करे क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब जो टाइप टू में हमने देखा था उसमें जो आर आ रहा था वो मल्टीप्लिकेशन में था, एंड टाइप थ्री में डिवीजन में था। इसमें तो हमें दोनों जगह दिख रहा है। आ रहा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, ये सही लग रहा है, इसका है योगिनी का 2 की पावर n। हाँ सही है योगिनी, हाँ बोलो सर। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, हाँ बिल्कुल सही है। कैसे किया बताओ योग्य विवेक सर? पहले आर, उसको आर प्लस वन, एनसीआर अपॉन आर प्लस वन को फॉर्मूले में कर दिया, तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आया, इनटू आर प्लस टू आया, आर प्लस टू को आर प्लस वन लिख दिया। स्टार्टिंग में लिख दो, झंझट ही खत्म। तुमने उसको जाके लिखा थर्ड फोर्थ स्टेप में, आर प्लस टू को आर प्लस वन आर प्लस वन, ये तो लिखना ही है, लेकिन पहले ही स्टेप में लिख दोगे तो कहानी खत्म। देख लो क्या बनता है वो। अगर तुमने पहले ही स्टेप में r प्लस टू को r प्लस वन इंटू एन सी आर, आर फ्रॉम जीरो टू n, देख लो अब इंडिविजुअली डिवाइड, इस r प्लस वन को और इस वन को इंडिविजुअली डिवाइड करो इससे, तो हमें मिलेगा r फ्रॉम जीरो टू n अपॉन r प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। अब क्या करो, इस एनसीआर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड दो समेशन में स्प्लिट करके लिख दो, तो पहला समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन एनसीआर एंड दूसरा समेशन आर फ्रॉम जीरो टू एन एनसीआर अपॉन आर प्लस वन। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, पहले वाले का टू की पावर एन, टू की पावर एन, टू की पावर एन, और इसका रिजल्ट हम लोग अभी निकाल चुके हैं टाइप थ्री में। पहला ही क्वेश्चन की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, क्लियर?
तो लिख लो इसको जल्दी। अब ये निकाल चुके थे रिजल्ट, इसकी वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये बस इतना सा है इसका आंसर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ये टाइप बी हो गया अपना। डन। हाँ बोलो। डन सर। लिख लो बाकी सभी लोगों का हो गया? नहीं। यस सर। यस सर। जल्दी करो। हो गया सर। चलो अब टाइप फोर में जाने से पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, वन प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन क्या है बताओ, सोच समझ के बताओ। एनसीएन NCN है one. NCN हाँ वही one, मतलब NCN इसके टर्म्स में बताओ। NCN है सर। ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें बताओ क्या आएगा? n plus 1 cn। इसमें x की पावर n का कोएफिशिएंट n plus 2 cn। ठीक है, मतलब ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं पहले वाले पार्ट में कि कोएफिशिएंट कैसे निकाले जाएंगे, इसकी क्या लिख लेंगे जनरल टर्म एंड उसकी हेल्प से कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, ठीक है, और पावर में n है, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? एन सी, और x की पावर n का चाहिए था तो एन सी एन। अब यहाँ पे पावर n प्लस 1 है, इसमें x की पावर n का चाहिए तो n प्लस 1 सी एन। ठीक है, अब देखो ये जो टाइप 4 में हम देखने जा रहे हैं, हमें इस तरीके का सम गिवन रहेगा इन सारे टर्म्स का। तो ये देखो यहाँ पे n n n हर जगह आ रहा है, तो हमें उससे ये समझना होगा कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन फाइंड आउट करना है, किसमें? एक तो इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें, ठीक है। अभी जो हमने किया वो क्या सीधे तरीके से गए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इसमें 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 क्या आएगा, तो ये अब हमें इसका सम गिवन रहेगा, तो ये जो कोएफिशिएंट्स गिवन रहेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, उससे ये आइडेंटिफाई करना होगा ये किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो टाइप फोर में लिखो, अब टाइप फोर आर इज कांस्टेंट, मतलब नीचे आने वाले नंबर सारे कांस्टेंट होने चाहिए। And n is changing. n क्या हो रहा है? ऊपर वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो s 17, 17 ही है ना? Yes sir. Yes sir. s 17 में ये रहा, सीरीज ये है n c n plus n plus 1 c n plus n plus 2 c n अप टू 2n cn। तो देखो नीचे वाले नंबर्स, देखो r की जगह पे आने वाले नंबर्स कांस्टेंट है, सेम है,
लेकिन ऊपर आने वाले नंबर्स क्या हो रहे, चेंज हो रहे, n n plus 1 n plus 2 up to 2n, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज है, तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, इसको कैसे अप्रोच करते हो देखते हैं। लिख लिया? Yes, sir. आप देखो, ये बताओ ये NCN किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट है? 1 plus x की पावर n में x की पावर n का, ये किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n plus 1 में x की पावर n का, ठीक है। सेम ये चीज, तो यहाँ पे देखो ये सीरीज मतलब एक तरीके से क्या है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, एक्स की पावर एन, किसमें किसमें, यहाँ पे अगर एन आ रहा है मतलब नीचे वाला नंबर एन था, देखो हर जगह एन एन है, इसका मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन फाइंड आउट करना है। पहला किसके एक्सपांशन में, 1 plus x की पावर n, ये दूसरा किसके एक्सपांशन में आएगा, तो 1 plus x की पावर n plus 1, तीसरा किसके एक्सपांशन में आएगा, तो 1 plus x की पावर, ऊपर आने वाला नंबर n plus 2, और ये लास्ट वाला जो है वो किसके एक्सपांशन में, 1 plus x की पावर 2n। मतलब इस सीरीज में हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर n। अब ये बताओ ये क्या बनती है, यहाँ पे जीपी है, एपी है, एजीपी है, क्या है? जीपी, जीपी दिख रही है क्या? एजीपी नहीं, एजीपी नहीं बेटा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, क्या बचता है? जीपी आ रहा है, वन प्लस एक्स। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? वन प्लस एक्स। ऐसा किसमें होता है? जीपी में। जीपी, तो ये एक जीपी है। अब इस जीपी का हमें सम लिखना होगा। पहले क्या कर लेते, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 1 plus x, 1 plus x की पावर n कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें ढूंढना है जो सीरीज बन रही थी, तो इसमें से 1 plus x की पावर n बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 1 plus x, 1 plus x का स्क्वायर अप टू 1 plus x की पावर n। अब मेरे ख्याल से ऑल क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा ये जीपी है, ठीक है। अब इस जीपी का हमें सम लिखना होगा, तो इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है? ले सकते वन कॉमन नहीं ले सकते? वन कॉमन लेके क्या ही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, वन, इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 plus x, नंबर ऑफ टर्म्स कितने है बताओ? n plus 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 plus x की पावर कितना है, 0, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 1 plus x की पावर 0, एंड जा कहाँ तक रहे है, 1 plus x की पावर n तक, तो इसका मतलब यहाँ पे n प्लस वन टर्म्स है, ठीक है। कॉमन रेशियो 1 plus x था, फर्स्ट टर्म 1 थी, ये सम का फॉर्मूला होता है a(r)(n-1)r-1, a होती है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन है, तो n प्लस वन ले रहे, कॉमन रेशियो 1 plus x है, ठीक है, और अपॉन में माइनस में 1, अपॉन में क्या आएगा, 1 plus x minus 1, तो ये 1 1 गया, ठीक है। इस पूरे में हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, अभी भी x की पावर n का। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n किसमें, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 plus x की पावर 2n plus 1,
माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, अपॉन में एक्स। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ? यस सर, यस सर, यस सर। चलो इतना लिख लो। तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, किसके एक्सपांशन में किसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हर जगह एन 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 आ रहा है, लिख लो। अब ये एन 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 आ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, पहला वाला किसके एक्सपांशन में आएगा, वन प्लस एक्स की पावर एन में, दूसरा वाला वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। नेक्स्ट पे, ठीक है। हो गया, चलो अब लास्ट मिनट, क्या चाहिए हमें, कोएफिशिएंट अभी मिला नहीं है, एक मिनट अभी ढूंढना है। ये बताओ नीचे एक्स आ रहा है और हमें इस पूरे में एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट चाहिए या पहले एक्स की पावर एन चाहिए, तो बताओ क्या करना होगा। ऊपर में x की पावर n प्लस वन का ढूंढेंगे, ऊपर में x की पावर n प्लस वन आना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो ये नीचे वाला x ऊपर जाके उसको क्या बना देगा, x की पावर n, x की पावर n बना देगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें पूरे में x की पावर n चाहिए तो न्यूमरेटर में इस x की वजह से हमें न्यूमरेटर में x की पावर n प्लस वन ढूंढना होगा, है कि नहीं, क्लियर है ये पॉइंट। यस सर, देख लो, यस सर, ऊपर में n प्लस वन नीचे में x, तो ये x ऊपर जाके उसको x की पावर n बना देगा, तो अब न्यूमरेटर में हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए होगा, x की पावर n प्लस वन, n प्लस वन, और न्यूमरेटर में क्या है, वन प्लस x की पावर टू एन प्लस वन एंड माइनस में वन प्लस एक्स की पावर एन। अब इसमें बताओ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, एन, एन, तो एन प्लस वन जा पाएगी क्या पावर कभी, नहीं, नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट जीरो, जीरो, और इसमें एन प्लस वन का क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट, टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, एन प्लस वन खत्म, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो लिखो इसको सर, रिपीट करो ये। अब इसमें x की पावर n प्लस वन तो मिलेगा नहीं, हाईएस्ट पावर n जा रही है, तो n प्लस वन तो कभी नहीं जा पाएगी, तो उसका कोएफिशिएंट जीरो, और इसमें x की पावर n प्लस वन का कोएफिशिएंट चाहिए तो टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, ठीक, क्योंकि जब इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो वो कितने आएगी, टू एन प्लस वन सी आर एक्स की पावर r, तो r की जगह पे क्या पुट करना होगा, n प्लस वन, तो उस कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2n plus 1 से n plus 1, ठीक है। यस सर,
सर रिजल्ट कब आएगा मेंस टेस्ट का? बन गया है शायद रिजल्ट, कल आ जाना चाहिए था, बन तो चुका है। नहीं अब वो शायद वो रोल नंबर बहुत सारे बच्चों ने गलत डाल दिए थे ना अपने, वही वो कंपाइल करना चल रहा है नाम के साथ वो रोल नंबर ये करना। रिजल्ट तो बन चुका था, वो मशीन से चेक हुआ है तो बाद में किसी ने फोन नंबर गलत। रोल नंबर क्या है सर? हाँ रोल नंबर्स क्या है हमारे? अरे वो मिले है ना तुम्हें, वो क्या कहते हैं कुछ तो मिला होगा रेजोनेंस से, उस पे होगा देख लेना। 211511 टाइप ठीक है देख लेना। रोल नंबर है क्या? हाँ तो क्या लगता था वो क्या है? मैंने अभी तक ये ऑनलाइन मतलब जो नासिक पोर्टल पे एग्जाम होती तो रोल नंबर और वही तो यूज होता था सर, मुझे लगा होगा कुछ ऐसे डाल दो। 38 ये सीरियल नंबर ही है, इसके लिए अटेंडेंस के लिए थे। चलो ठीक है कोई नहीं, अगली बार ध्यान रखना जब भी ऑफलाइन होगी तब, आशा करते बहुत जल्द हो जाए। हाँ सर हम भी ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? हाँ सिचुएशन कैसी है वहाँ? सिचुएशन तो वो J2 बैच की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसमें दो चार वो कोरोना की पूछ रही है। हाँ वही कोरोना की, J2 में दो तीन निकले थे वही मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव निकले थे? हाँ हाँ पॉजिटिव मतलब हाँ। उन्होंने क्या किया, उनकी वेंसडे को एग्जाम थी शायद, बर्गर किंग में ग्रुप बना के गए इधर, जैसे तुम्हारे इसमें मैकडी वाला एक ग्रुप है ना, है कि नहीं श्रिया? वैसे वो बर्गर किंग वाला ग्रुप था, मार्क्स काउंट करने गए बर्गर किंग में, वहां पे जाके खा रहे बर्गर, खा रहे आइसक्रीम, खा रहे ऊपर से पानी पी लिया। अब वो वायरल हुआ या पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद से 3 लोग बीमार हो गए। बाद में 2 लोगों ने टेस्ट करवाई, 2 की पॉजिटिव आई, 1 की नहीं आई पॉजिटिव, 1 की निगेटिव आई, ऐसा था वो। ठीक है था वैसे ठीक हो गए वो लोग, कुछ नहीं था उनको, सर्दी हुई थी और बस थ्रोट इन्फेक्शन था थोड़ा, अब सही हो गए। और हैकर वाला एक है ना, हैकर कहा गया वो हैकर सर, कल मान सर केस में बजा रहा था कुछ। अच्छा वो हैकर ही बजा रहा था क्या? नहीं सर पता नहीं कौन था। अरे ऐसे काम मत करो, पहले 1.25 घंटा मिल रहा, देखो लेक्चर खत्म होने को आ गया अपना, 4:20 तो हो ही गए सर। हो गया लिख के कब का? अच्छा हो गया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन S18MC1+M+1C2 अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है क्या बताओ, जो हमने टाइप 4 में स्टेटमेंट लिखवाया था उस टाइप का? यस सर। नहीं सर स्टेटमेंट क्या था देखो, आर कांस्टेंट मतलब नीचे वाले नंबर्स कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं नो सर, ऊपर वाले तो चलो वेरी कर रहे लेकिन नीचे वाले कांस्टेंट नहीं है ना, अभी तो दिख नहीं रहे है, वैसे वो एक्चुअल में कांस्टेंट है दिख नहीं रहे है, प्रॉपर्टी जब तुम लगाओगे तो दिखेंगे। अब देख लो कौन सी प्रॉपर्टी पहले लगानी पड़ेगी, यहाँ पे n+1 लास्ट में ठीक है, ये n+1 कर लेना।
सर अगर हम m की वैल्यू 1 ले तो r की वैल्यू पुट करके तो वो एग्जाम में करना है। अभी बताओ कैसे वो नीचे वाले नंबर सर ncr is equal to ncn minus r प्रॉपर्टी लगा के ncr is equal to ncn minus r लगाओगे तो देखो ये mc m minus 1 यहां पे m plus 1 c m plus 1 minus 2 तो m minus 1 यहां पे भी m minus 1 आएगा और फाइनली m plus n c m minus n। अब दिख रहे क्या नीचे वाले नंबर्स कांस्टेंट सर क्या क्या रिपीट करो ये वाली प्रॉपर्टी ncr is equal to ncn minus r होता है ना वो लगाई ठीक है। आप बताओ सम क्या आएगा जल्दी करो आ रहा है क्या किसी का सर 2m plus 1 cm minus 2 minus m cm minus 2 ये बताओ किसका कोएफिशिएंट ढूंढना है m minus 1 m minus 1 का कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m minus 1 किसमें पहला 1 प्लस एक्स की पावर एम एन एम प्लस 1 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस 2 ऐसे ही कहा तो 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस 1 अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बताओ 1 प्लस एक्स की पावर एम 1 प्लस एक्स की पावर एम कॉमन आ जाएगा उसको ले लेते हैं बाहर तो इसमें 1 प्लस एक्स की पावर m बाहर आ रहा था और अंदर में बचेगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स की पावर n ये बचेगा ये देख लो इसमें से अगर तुम 1 प्लस एक्स की पावर n को कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एक gp बच रही है gp में फर्स्ट टर्म 1 है कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n plus 1 अपॉन में ये 1 plus x minus 1 कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m minus 1 अब ये 1 1 गया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है
इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन प्लस एन प्लस वन एंड वन प्लस एक्स की पावर एम अपॉन में एक्स। अब ये बताओ इस पूरे में एक्स की पावर एन चाहिए तो ऊपर में हमें कौन सी, सॉरी एम माइनस वन, तो न्यूमरेटर में कौन सी पावर ढूंढनी होगी? एम 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 यस यस सर, ताकि फिर ऊपर में अगर हमने एक्स की पावर एन ढूंढ लिया तो नीचे वाला एक्स जाके उसको क्या बना देगा, एम माइनस वन। तो न्यूमरेटर में हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, एक्स की पावर एम। तो न्यूमरेटर में क्या है, वन प्लस एक्स की पावर में एम प्लस एन प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एम। तो इसमें एक्स की पावर एम का जो कोएफिशिएंट है और इसमें भी वो आएगा और क्या आ जाएगा, एम सी एम। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी, ये वाला पहले लिखो। सर वो लिख लिया। लिख लिया, किसी का बाकी तो नहीं है? सर वो S18 वाला एक बार दिखाओ ना। S18 यही तो रहा। सर वो x की पावर m माइनस वन कैसे रहेगी, वो आपने आज से फाइंड। इधर सारे नंबर m माइनस वन m माइनस वन m माइनस वन आ रहे हैं ना। यस सर। इनके एक्सपेंशन में x की पावर m माइनस वन का कोएफिशिएंट है वो। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पेज ऑफ और ये देख लेना, जो एक्सरसाइज टू में बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें सीधा हमें इस तरीके की सीरीज गिवन है, जीपी, मतलब ये सब गिवन नहीं है ऊपर वाला, सीधा जीपी गिवन है और उसमें एक्स की पावर एम माइनस वन का कोएफिशिएंट पूछा है। तो पहले क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, उस जीपी का सम निकाल लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आगे अप्रोच करेंगे। तो ध्यान रखना ऐसे चार पांच क्वेश्चन है शायद उसमें, तो पहले जीपी का क्या निकाल लो सम, एंड उसके बाद जो भी कोएफिशिएंट पूछा गया वो। टाइप फोर में हम क्या देख रहे हैं, हमें कोएफिशिएंट की सीरीज का सम है, तो उसमें हमने एक जीपी बना ली और फिर उस जीपी का सम निकाल के वो सीरीज का सम आ गया। ठीक है, देखो जल्दी इसको। डन सर। नेक्स्ट पेज। डन सर। तो एक बार देख लो ये टाइप फोर, फिर उसके बाद टाइप फाइव पे आ जाएंगे। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, लास्ट स्टेप में जनरल टर्म रहे, जनरल टर्म से डायरेक्टली लिख रहा है, इसकी जनरल टर्म इस तरीके की आएगी, एम प्लस एन प्लस वन सी आर एक्स की पावर आर, और हमें एक्स की पावर एम चाहिए मतलब आर की जगह पे एम, तो ये राम। ठीक है। Yes, sir.
सर पिछली स्लाइड दिखाई ना एक बार। ठीक है जल्दी लिख लो। कल छुट्टी दी है? नो सर। नहीं सर किस खुशी में? हाँ दी है बताइए। है क्या सर? नहीं नहीं सर कल छुट्टी नहीं है। आवाज थी एकदम से अभी सर छुट्टी क्यों सर? सानिशा ये साना वही सानिशा की आवाज थी वो लगा मेरे को बैठ गई सर आवाज। अच्छा आवाज बैठ गई है डन सर। ये ना ये क्लास है बेटा। चल कल कुछ नहीं बेटा संक्रांति की भी नहीं छुट्टी थी। कहाँ पतंग उड़ाओगे बैठो चुपचाप पढ़ाई करो। छत पे और कहा कुछ मत उड़ा क्या ही होगा उससे। क्लास को आप उड़ाते ये तो सर प्लीज। हाँ सर एक ही दिन मिलता है सर, एक दे ही दिन साल में एक ही दिन साल में एक ही बार मिलता है। अरे तुम क्लास अटेंड करते हो ऐसा तो हर के बार साल में एक ही बार आता है बोलोगे तुम लोग चुप रहे। इसके लिए तो छुट्टी नहीं चाहिए। अरे नील ज्यादा शान बट्टी कर रहा है सर। अरे चलो चलो अभी झगड़े नहीं यहाँ पे। मैं उड़ा सकते हो तो इवनिंग दोपहर में ना 3:30 से क्लास। दोपहर में कौन सी हवा चलती है? सुबह उड़ाओ सुबह सुबह बहुत धूप रहती है सर शाम को ही जाती है सर ठंडी रहती है आज 7 डिग्री है ठंडी रहती है सर बहुत। अरे इसीलिए तो थर्ड स्लॉट ऑफ दिया है तुम लोगों को। तुम पतंग उड़ाओ रात को कौन उड़ाए सर? रात को उड़ाएंगे दिखेंगे भी रहेंगे किसी काटेंगे सर आप। पतंग बजा रहा अपने घर के या भी पतंग उड़ा रहा है। अरे अच्छा कुछ बोल दिया क्या मोदी जी ने? पतंग बजाओ तुम मजा रहा हो। चलो टाइप 5 टाइप 5 में आज अभी तक तो क्या देख रहे थे हम लोग जितनी भी सीरीज थी उसमें एक एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम था। जैसे ये रहा यहाँ पे एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिर इधर एक एक इस तरीके की सीरीज थी। अब अगर दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड सीरीज बन रही है तो उसको कैसे डील करेंगे वो टाइप 5 में देखेंगे। तो टाइप 5 में है लिखो इन द सीरीज देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इन द सीरीज देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है तो ये भी दो इसमें कैटेगराइज होती है सीरीज। तो केस 1 उसमें एस कितना चल रहा है अभी 19। हाँ दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट हर एक टर्म में आएगा। जैसे ये रहा देख लो एग्जांपल NC0 MCR प्लस NC1 MCR प्लस 1 NC2 MCR प्लस 2 MC2 ये NC2। ठीक है ऐसे ही चलता जाएगा आगे जब तक ये टर्म्स नॉट डिफाइन आना ना शुरू हो जाए तब तक। ठीक है मतलब जब तक मान लो ये आ गया पहले ये अचीव हो गया NCN तो हम इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे जाने पे ये क्या होना चाहिए NCN प्लस 1 और वो डिफाइन होगा क्या बताओ? नमस्ते नीचे वाला नंबर नहीं हो सकता ऊपर वाले के इक्वल या तो उससे छोटा होना चाहिए तो हम आगे नहीं जा सकते। या तो ये पूरा एक्चुअल डाटा गिवन रहेगा तब हम बता सकते हैं एग्जैक्टली लास्ट टर्म लास्ट डिफाइंड टर्म कौन सी होगी। मान लो पहले ये अचीव हो गया MCM तो इसके आगे जा सकते हैं क्या एन के साथ कुछ आ रहा है? नहीं जा सकते हैं। ठीक है तो इसकी वजह से हम लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं उसके लिए जब एप्रोप्रिएट डाटा गिवन रहेगा तब लिख लेंगे। ठीक है तो कहां तक जा रहे हैं लास्ट डिफाइंड टर्म तक जा रहे हैं। ये बताओ क्या ये फर्स्ट डिफाइंड टर्म है क्या? यस मतलब इसके पीछे जा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं जा सकते
क्योंकि इसके पीछे का मतलब क्या आ जाएगा एन सी माइनस वन, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होल नंबर आना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे सारे डिफाइंड टर्म्स हमें मिल रहे हैं, ऐसी कोई टर्म नहीं जो मिसिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। इसमें भी सबसे पहली टर्म देखेंगे, वो देखेंगे क्या वो डिफाइन है, और अगर वो डिफाइन है तो ये सोचेंगे कि क्या इसके पीछे जा सकते थे क्या, तो यहाँ पे तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही लास्ट टर्म देखेंगे कि वो डिफाइन है क्या, और बाद में क्या वो लास्ट डिफाइन टर्म है क्या, मतलब इसके आगे जा सकते हैं क्या, इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है हर एक टर्म में और सारे डिफाइन टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? आर आर इन दोनों का डिफरेंस आर आर इन दोनों का डिफरेंस आर मतलब केस वन में हम ऐसी सीरीज को लेने वाले हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ आर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है। डिफरेंस ऑफ आर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखो डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, रिजल्ट ध्यान से देख लेना। डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इसका सम भी एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आएगा, लेकिन उसमें ऊपर वाला नंबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, एन और एम का एडिशन, ठीक है। अब ये बताओ बड़ा वाला नंबर किसके साथ आ रहा है, एन के साथ या एम के साथ, हर एक टर्म में एम के साथ, एम एम के साथ, तो यहाँ पे एम हर एक टर्म की जब हम बात कर रहे हैं, हर एक टर्म में बड़ा वाला नंबर नीचे में एम के साथ आ रहा है तो यहाँ पे एम, और माइनस इनके बीच का डिफरेंस कितना है आर, तो ये इसका सम। तो लिख लो केस वन में कैसी सीरीज कैटेगराइज होती है जिसमें डिफरेंस ऑफ आर इज कांस्टेंट, ठीक है। और फिर इसमें और क्या ध्यान रखना होता है, क्या हमें यहाँ पे सारे डिफाइन टर्म्स मिल रहे हैं या नहीं, यहाँ पे सारे मिल रहे हैं, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे डायरेक्टली। और एक चीज और ध्यान रखना, बीच में सब प्लस होने चाहिए, ठीक है, सारे प्लस में, तो रिजल्ट आएगा इन दोनों का सम ऊपर में, नीचे में कौन सा नंबर, अब इन दोनों में बड़ा नंबर किसके साथ आ रहा है हर एक टर्म में, एम के साथ, तो एम माइनस डिफरेंस, ठीक है। मतलब बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा, ये याद रखने का तरीका है, ये रिजल्ट यही आने वाला है हमेशा, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। याद कैसे रखा जाएगा फिर से एक बार रट लेंगे, हाँ वो रटने के लिए बोल रहा हूं मैं, एक तरीके से याद ही रखना है ना, वरना प्रूफ इसका तो बताऊंगा, देख लेना बड़ा है थोड़ा। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो क्या देखेंगे, दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का हर एक टर्म में है प्रोडक्ट, दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हर एक टर्म में है, फिर उसमें क्या कांस्टेंट है, आर का डिफरेंस, आर का डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, और सारे डिफाइन टर्म प्रेजेंट है यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या, इन दोनों का सम। सी अब इसमें बड़ा नंबर किसके साथ आ रहा है, पहली वाली या तो दूसरी टर्म में भी देख लो, चलो नीचे में बड़ा नंबर किसके साथ है, एम के साथ, तो एम माइनस डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का, आर। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, क्लियर है? यस सर, यस। तो 2-3 मिनट बाकी प्रूफ, चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, उसके पहले प्रूफ के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, 5-6 लाइन की जगह छोड़ दो यहाँ पे इसके नीचे प्रूफ के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक क्वेश्चन करो डायरेक्टली इसी के ऊपर, प्रूफ के लिए 5-6 लाइनें छोड़ दो।
if r zero in this case r not equal to zero, मतलब define होने चाहिए ऐसे terms हमें मिलने चाहिए. जैसे यहाँ पे starting तो किसी भी series में किससे होती है, binomial expansion में, expansion में किसी भी n c zero या n plus one c zero ऐसे होती है ना, ठीक है. चलो एक series ही लिख लेते हैं, ये s 20, इसमें है एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो, एन सी वन इंटू एन सी वन, एन सी टू इंटू एन सी टू, एंड फाइनली एन सी एन इंटू एन सी एन. देख लो दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है हर एक टर्म में. फिर उसके बाद ये बताओ क्या सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? यस सर. मतलब ये सोचना है, फर्स्ट एंड लास्ट से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो इसके पीछे नहीं जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते, मतलब सारे डिफाइंड टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. क्या कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है? देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो, इन दोनों के बीच का जीरो, इन दोनों के बीच का जीरो, ऐसे ही सबके बीच का डिफरेंस जीरो है. तो सम देख लो क्या आ जाएगा, एन प्लस एन सी. अब इसमें बड़ा नंबर तो किसी के साथ नहीं, दोनों के साथ सेम ही नंबर है, तो दोनों में से कोई भी उठा लो तो दोनों जगह एन ही है, तो एन ही आ जाएगा जीरो. और डिफरेंस कितने का है, जीरो का, तो टू एन सी एन, ये इसका आंसर है. क्लियर? यस सर. वैसे लास्ट टर्म तक वैलिड हो जाते हैं ना? हाँ. क्लियर है? यस सर. तो ऐसे सीरीज का सम इस तरीके से डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, प्रूफ से नहीं जाएंगे इसको हम. तो क्या क्या देखना है, सारे डिफाइन टर्म्स है क्या, है यहाँ पे, डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऊपर वाले नंबर्स का सम. अब बड़ा नंबर तो यहाँ पे कोई नहीं, दोनों के साथ सेम ही नंबर आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक उठा लो तो n, ठीक है. डिफरेंस कितने का है, जीरो का, तो n माइनस जीरो, तो टू एन सी एन. तो चलो ठीक है, इस टाइप को ही आगे बढ़ाते थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीनोमियल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. तो कल के लेक्चर में तुम्हारा एसओटी वगैरह, और हाँ डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तुम लोग. सर S20 दिखा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है. क्या क्या? S20 दिखा उसको. अच्छा S20 डीपीपी कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या तुम लोग? यस सर. स्टार्ट कर दो, क्योंकि उधर तो दोनों बैचेस में चल रहा है डीपीपी डिस्कशन, अपने बैच में ही रुका हुआ है, या तो हुआ ही नहीं शायद, क्या जाए हुआ ही नहीं. हाँ हुआ ही नहीं है, तो उसको स्टार्ट कर देते हैं अभी, ठीक है. तो बी मॉड्यूल उठाओ सबसे पहले. सर कौन से करे? बी बी पहले, बी से शुरुआत करो तुम लोग. ए वाला देख लेंगे जो भी पेंडिंग है. डीपीपी की मॉड्यूल बी उठाओ, उसमें B1 ये DPP तुम लोग सॉल्व करो. B1 ठीक है. कल के लेक्चर में तो जो तुम्हारा SOT का है वो डिस्कस होगा, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताया होगा, और जो भी आप तो जो भी बाकी होगा वो डिस्कस हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट करके रखना. एंड परसों के लेक्चर में डीपीपी नंबर B1 डिस्कस होगी, ठीक है. यस सर. यस सर. हाँ कल छुट्टी नहीं बेटा, कल डिस्कशन होगा SOT का, ठीक है. SOT और परसों के लेक्चर में डीपीपी नंबर B1 सॉल्व करना. डीपीपीज में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, पीछे के टॉपिक्स की रिवीजन भी हो जाती है, ठीक.
हाँ एनके आर पे जीडीएम सर लेंगे एसओटी का और कुलकर्णी गार्डन पे आरएचएम सर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो डीपीपी नंबर B1 परसों के लिए। चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर।